नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी को ले चलते हैं हम बैसा मरैया के कार्तिक मेला का फुल वीडियो। जैसे देख रहे हैं आप कार्तिक भगवान का यहाँ पे फोकस, और आपको हम इस मेले का हर एक जगह का आपको वीडियो का जो है ना शूटिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग लास्ट तक बने रहे और आपको भरपूर मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इस मेला का कोई भी कोना नहीं छोड़ा हूँ, किसी भी जगह का वीडियो शूट करने के लिए नहीं छोड़ा हूँ। इसीलिए दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं आप सभी को हम अपने मरैया का जो वैष्णवी दुर्गा स्थान मंदिर है यहाँ से शुरू करते हैं। ये मरैया का जो बैसा मरैया का वैष्णवी दुर्गा मंदिर है, जो कि यहाँ भी मेला लगाया जाता है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बंधेरा का काली मेला का वीडियो का लिंक, और महदीपुर का जो चैती दुर्गा मेला है, और बहुत जहाँ जहाँ का मैं ब्लॉग बना रखा हूँ ये देख सकते हैं आप। मैं जो है जहाँ पे नाटक खेला जाता मरैया थाना का, सॉरी मरैया वाले दुर्गा मेला का, उस जगह पर एंट्री गेट बनाया हुआ है बैसा के लिए जाने के लिए। यहाँ से आपको जो है ना बैसा मेला का एंट्री गेट आपको मिलता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, गेट भी बहुत अच्छा बना रखा है। तो दोस्तों, चलिए हम इस गेट का अंदर प्रवेश करते हैं और आगे आगे देखते हैं। वैसे तो ये वीडियो समथिंग का है कि ये बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ही ज़्यादा एरिया में बना हुआ है मेला, और हर जगह का मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मरैया थाना के पास लगभग मैं आ चुका हूँ, और मरैया थाना से अब ये है मरैया थाना। यहाँ से आप चलते हैं आगे, थोड़ी दूर में आपको बजरंगबली स्थान मिलेगा, और वहाँ से मेला का प्रारंभ, मतलब मेला का दुकान वगैरह, जैसे झूले वगैरह सारे चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये आ गया मैं जय श्री हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है, जो कार्तिक मेला स्थान यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से दुकान वगैरह चालू है। यहाँ पे आपको आचार, यहाँ पे अलग अलग, और ये गुटका पान मसाला वगैरह खाने का दुकान लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये क्या है ना, इस एरिया में आपको जो ये सारा दुकान मिल रहा है, ये आइसक्रीम वगैरह का, ये एक्चुअली में यहाँ पर झूला, जितने भी खेल वगैरह का जो झूला का लगा है मनोरंजन के लिए, उस एरिया में बहुत सारे यहाँ पे जो है ना दुकान भी लगा है। जैसे कि आपको सिंगार का, जैसे वो हम बोलते हैं ना मनिहारी का भी कुछ दुकान यहाँ पे लगा है, वैसे मनिहारी के लिए अलग एरिया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी इन्होंने बहुत सारे चीज़ आइटम लगा रखे। देखिए कप प्लेट वगैरह इसलिए लगा रखे हैं कि झूला वगैरह झूलने के बाद यहाँ से जब रिटर्न जाते लोग तो यहाँ से कुछ परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रंग बिरंगे अंगूठियाँ, जो कि अपने फिंगर के लिए आप अंगूठी ले सकते हैं, और ये कुछ मनिहारी का दुकान है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मनिहारी का दुकान दिया हुआ है कुछ कि वो लोग जो है ना आगे जब भी जाते हैं, तो इसलिए आप दोस्तों जब भी मेला आते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में मुझे लेट इसलिए लगा क्योंकि मेरा घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था थोड़ा सा, तो इसी में हम लोग बिज़ी हो गए थे, इसलिए आप लोगों के पास वीडियो आने में लेट हो गया। मेला विसर्जन होने के बाद आपके पास वीडियो ये मिल रहा है। तो दोस्तों, कोई नहीं, तो आप लोग जैसे कि ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने रिश्तेदार फैमिली मेंबर जो मेला में नहीं आ पाया है, जो बाहर प्रदेश में रहते हैं, उन लोगों के पास इस वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग वहाँ बैठे बैठे इस मेले का लुत्फ़ उठा सके। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो शूटिंग करने के लिए, जैसे आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने परिवार लोगों के साथ चाहते हैं तो यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है, फ़ोटो तुरंत 10 मिनट में दे देंगे वो लोग। तो इसलिए अलग अलग लोकेशन बना रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोगों का खिलौने का भरपूर मात्रा में दुकान लगाया गया है दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट गिटार है समथिंग, ये भी लेकर के आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग लोकेशन पे आप लोग फूल वगैरह यहाँ पे इतने अच्छे तरह से डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे चाउमीन वगैरह का
ये सारे दुकान इतना लगाया गया था दोस्तों, आपको देखिए आगे आगे बहुत सारे दुकानें हैं। इस मेला में आने के बाद एक्चुअली मैं जल्दी इसलिए आया था, उस टाइम भीड़ कम था। यहाँ पर देखिए चाउमीन चाट का दुकान है, मैं इसलिए आया था जल्दी कि वीडियो को हम अच्छी तरह बना सकूँ, क्योंकि शाम को जो है ना 6-7 बजे से यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम 5:30 बजे ही आ गए थे मेला में, क्योंकि हमें वीडियो शूट करना था। उस टाइम मूवमेंट कुछ कम था, भीड़ कुछ कम था, देख सकते हैं आप ग्राउंड में, और यहाँ पे इसलिए हम अच्छी तरह से वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। नहीं तो क्या है ना, भीड़ में मैं शूट नहीं कर पाता वीडियो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। यहाँ पे जय श्री गणेश जी का फ़ोटो बना रखा है, उसके बाद ये लोग चाट मसाला वगैरह यहाँ पे बनाते हैं, चाउमीन समोसे वगैरह की दुकान है। जैसे आप लोग यहाँ पे झूले वगैरह से आए हैं मनोरंजन करके, यहाँ पे अगर भूख लग गया तो नहीं भूख लगे तो अपने दोस्त पार्टनर जो भी आते हैं मेरे देखने के लिए, अपने आस पास पड़ोस वाले उन लोगों के साथ में आप लोग यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, चाउमीन का मज़े ले सकते हैं, चाट मसाले खा सकते हैं, यहाँ पे चाट वगैरह ये सारे चीज़ मिलता है। यहाँ पे भी कुछ आपके घर के लिए जो कुछ थाली कप प्लेट ये सारा डेकोरेशन और समथिंग घर का सामान, जैसे होम अप्लाइंस का सामान यहाँ पे, उसके बाद आपको श्रृंगार का भी कुछ सामान मिलते हैं यहाँ पे, तो आप दोस्तों यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। ये इस एरिया का फ़ोटो है, एक्चुअली ये आपको मेला से जो इधर बाहर जो लगता है जहाँ पे झूला वगैरह है, उस एरिया में ये सारा दुकान जो आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है, ये सारे दुकान झूला जहाँ पे लगते हैं, टावर झूला हो गया, उसके बाद ड्रैगन हो गया, ब्रेक डांस हो गया, ये सारे जो झूला जहाँ पे लगते हैं उस एरिया के ये सारे दुकान हैं। तो देख पा रहे दोस्तों इस एरिया में इतनी दुकानें हैं, तो आगे आपको जो मेला हम ले जाएंगे, अभी तो आपको प्रतिमा का दर्शन नहीं कराएं, वो तो हमने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियो दिखाया, लेकिन आपको कार्तिक महाराज का अच्छी तरह का फ़ोटो बढ़िया से क्लीनिंग में आपको उस एरिया का भी फ़ोटो दिखाऊँगा, नाटक जहाँ पर होता है, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता है, उस एरिया का भी दिखाऊँगा। मनिहारी तो अभी आया ही नहीं हूँ, ये तो आपको हमने अभी फ़िलहाल यहाँ पे छोटे मोटे मनिहारी का कुछ दुकान लगा रखा है, उस एरिया का ही मैंने फ़ोटो ले रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे दुकानें लगे हैं, यहाँ पे आने के बाद बस आप आए और यहाँ का मनोरंजन ले पाएंगे। आपको जो है ना ऐसा नहीं कि आपको कि कुछ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको मनिहारी दुकान मिलेगा, सामान मिलेगा, अंगूठी वगैरह जो भी चीज़ लेना चाहेंगे आपको, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए, क्योंकि ज़्यादा बल्क मात्रा में यहाँ पे क्वांटिटी होता है, मटेरियल होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग एक बार अगर आसपास है, जैसे कबेला हो गया, अरविया हो गया, बलहा हो गया, मरैया हो गया, पिपरा हो गया, डूमर कोठी हो गया, इस सब एरिया का जो है ना, जैसे कि भातखंड हो गया, ये सब एरिया नारायणपुर हो गया, चलिए हम झूला वाला एरिया ले चलते, सॉरी झूला के दिखाते हैं आपको सारे झूला, कौन कौन सा झूला आया है और क्या क्या रेट है इन सभी का। तो चलिए, तो इस एरिया के जो भी आप लोग मेंबर हैं तो यहाँ पे आके एक बार विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम झूले वाले एरिया आ गए हैं और चलते हैं। यहाँ पे देखिए भीड़ अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, देख सकते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे भीड़ इसलिए होता है कि सारे लोग यहाँ पे गेम वगैरह खेलने के लिए आते हैं, झूला देखने के, सॉरी झूला झूलने के लिए आते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे देखते हैं कोई कौन सा झूला के पास जाऊँ पहले। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना ज़्यादा मूवमेंट होने लगा अब, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों ये आया बैलून गुब्बारे वाला, जो कि इस पे बच्चे लोग कूदते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे लोग इस पे फीता के माध्यम से चढ़ते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद इसमें एक्चुअली में हवा होता है और हवा के माध्यम से ये फूला हुआ होता है, और इस पे चढ़ते हैं सारे लोग, बच्चे लोग इस पे कूदते हैं उसके बाद इधर फिसलन वाला जगह बनाया हुआ है, यहाँ से सारे लोग मजे लेते हैं, इसलिए बच्चे लोग को इस पर चढ़ाना चाहिए, बहुत ही आनंद आता है, समथिंग देखने से लगता है, क्योंकि बड़े लोग इस पर चढ़ नहीं सकते हैं।
इसमें भार वो थमेगा नहीं, इसका कैपेसिटी होता है कुछ मैक्सिमम बच्चे लोगों के लिए। तो यहाँ पे गन शूट मतलब आप अपना निशाने चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं, नहीं आपको आता है निशाने लगाने के लिए तो ये बैलून वाले। और ये बच्चे लोगों के लिए कार राउंडिंग वाले झूला है, ये राउंड राउंड घूमता है, कार पे बैठिए कार चलाने का मज़ा लीजिए। जैसे हम लोग देखते हैं गेम में खेलते हैं, गेम खेलते हैं वो तो ऐसा मोबाइल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसमें घूम कर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे लोग को देख रहे हैं यहाँ पे कूद रहा है, एक्चुअली में ये क्या है लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक वाला रबर वाले मैट लगा हुआ है और इसके आसपास जाली लगा हुआ है, इसके अंदर बच्चे जाने के बाद कूदते हैं। और यहाँ पे भी ये बहुत ही सुंदर डेकोरेशन के साथ में जो है ये कार पे बच्चे लोग अपना राइड कर सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बैलून वगैरह गुब्बारे वाला, ये ड्रैगन ट्रेन वाले जो झूला है तो इसका 50 रुपया रेट है। तो एक्चुअली में चीप एंड बेस्ट अच्छा है इस एरिया के लिए, क्योंकि दिल्ली सब में 300-250 रुपये इस पर राइड करने के लिए लेता है, तो यहाँ पर 50 रुपया है। सारे झूले के बड़े वाले झूला जो भी है, ये भी ब्रेक डांस का, इसका भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टिकट काउंटर पे मैं आया, यहाँ पे इसका रेट लिखा हुआ है 50, इसका भी 50 रुपया है। और मैं जबकि दिल्ली में दशहरा में झूला था तो वहाँ 300 ब्रेक डांस टावर झूला का सबका 300-250 समथिंग का रेट था। तो गांव देहात का मेला होने के कारण ये रेट ठीक है, आपको लगता है यहाँ की ज़्यादा है लेकिन ये सही है आपका, आपके लिए यहाँ पे झूल सकते हैं। और ये रहा नाव, जो कि आप लोग पानी में नाव पे चलते हैं लेकिन ये झूला के माध्यम से आपको नाव पे घुमाया जाता है। यहाँ पे 50 रुपये इसका भी चार्जेस है और एक टिकट का 50 रुपये चार्ज है, तो आप लोग इस झूले का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये झूला क्या है ना, एक्चुअली इतना ऊपर जाता है, ओ माई गॉड, इसमें बेल्ट लगा हुआ था और नीचे जनरेटर के माध्यम से इसको जो है ना झुलाया जाता है। पहले आता था क्या हाथों से झुलाया जाता था, अब थोड़ा इसमें बदलाव हुआ है। और अब चलते हैं हम टावर झूला के ओर। ये बड़ा टावर झूला है, इसका भी देखते हैं प्राइस क्या है और हो सके तो इस पर हम चढ़ के उसके बाद ऊपर से आपको ऊपर का व्यू कुछ दिखाएंगे। तो टिकट काउंटर इधर साइड में है, चलिए देखते हैं इसका क्या रेट है। इसका भी 50 रुपये रेट है, तो चलिए एक टिकट लेते हैं टिकट काउंटर से, उसके बाद चलते हैं। हाँ तो टिकट मैंने ले लिया है और चलते हैं टावर झूला पे, इसका मज़ा लेते हैं। एक्चुअली में इसके ऊपर जाने में तो मज़ा ही आता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे के लिए राउंड लेता है, ओ माई गॉड, लगता है कि अब तो गया। और कभी कभी ये डोलची जो लगा है इतना जोर से ऐसे झूलने लगता है, लगता है फेंका गया, अगर डोलची खुल के गया ना तो दूसरे जगह जा गिरेगा। चलिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से अब नीचे जा रहा है। तो इसमें क्या है ना, वायलेंस बनाने के लिए बहुत सारे सीट खाली रहते हैं। देखिए उधर कुछ लड़कियाँ लोग बैठी हुई हैं और ये रनिंग में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता रनिंग में वीडियो, क्योंकि मोबाइल अगर गिर गया या कैमरा गिर गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ पे कुछ देर के लिए पॉज करूँगा। और ऊपर का नज़ारा देखिए दोस्तों, ऊपर से ओ माय गॉड, देखिए मज़ा ही आ रहा है। ओ मुझे तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर आने में तो मज़ा आता लेकिन नीचे जैसे गिरते लगता है कि गया। और इस तरह का एक बार आप लोग झूल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लड़कियाँ लोग हैं, ये लोग लगता है कि आप ना सेल्फी लेंगे, हाँ ज़रूर लेना भी चाहिए यार, मेला है, मेला की यादगार बनाने के लिए अच्छा है। चलिए हम भी एक फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो क्या। और ऊपर से देखिए नज़ारा मेला का जो है ना, अद्भुत नज़ारा ऊपर से ही देखने में लगता है। टावर झूला पे जब चढ़ेंगे जैसे ड्रोन से फ़ोटो क्लिक करते हैं उस टाइप का यहाँ पे महसूस होता है, लगता है कि मैं ड्रोन से इस वीडियो को शूट किया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है इस एरिया का। यहाँ से हम निकलेंगे जब तो चलेंगे कार्तिक महाराज के मंदिर का भी दर्शन करना ज़रूरी है। और उसके बाद
और भी जगह जाएंगे। ये देखिए बाइक और जीप, जीप का भी यहाँ पे बच्चे लोग राइडर कर राइडिंग कर सकते हैं। बाइक भी लगा हुआ है तो बाइक पे भी बैठ के एकदम मज़े ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे आगे देखते हैं। एक्चुअली में ये बहुत ही यहाँ इस मेले में बहुत ही ज़्यादा संख्या में झूले और दुकानें वगैरह आता है, सबको कवर करने में वीडियो लंबी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग पेशेंट करके देख सकते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए और आपको आगे और भी मज़े आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो भरपूर मज़े आने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपके लिए मैंने वीडियो आराम से बनाया, हर एक जगह के लिए मैं वीडियो, मैं सोचा कि कहीं का भी वीडियो नहीं रुकना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते में भी चल रहा हूँ, मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, झूला के एरिया से मैं बाहर आ गया हूँ और चल रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो साइड में बहुत सारे नीचे बिछा बिछा के दुकान वगैरह लगा रखा है, जैसे ज़मीन पर भी ग्राउंड लेवल पर, जिसे आप बहुत सारे लोग अपना दुकान के लिए सेटअप नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी वो लोग नीचे सामान को जो है ना लगा करके और मेले में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे खिलौने वगैरह हो गया। देख सकते हैं गाड़ियाँ, रंग बिरंगी गाड़ियाँ बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे जो है ना यहाँ पे, तो गुड़िया वगैरह हो गया, गाड़ी पिया हो गया, बहुत सारे चीज़ आप यहाँ पे देखिए, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह है, छोटे छोटे बच्चे लोग को खेलने के लिए अच्छा है। इसका मैंने रेट पता किया 50 रुपये है, ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए दोस्तों ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी आप ले जा सकते हैं अपने घर। और ये हमारे पठान साहब है समथिंग। चलते हैं आगे और भी देखते हैं, रास्ते में ये दुकानें वगैरह, ये देखिए अंडे के पकौड़े वगैरह बन रहा है। आज थोड़ा ठंडा का मौसम हो गया, होने जा रहा है, तो यहाँ पे अंडे उंडे को ज़्यादा दुकानें खुले रहता है, क्योंकि लोगों को मेला देखते देखते ठंडी लगने लगता है। यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं, अपने हाथ वगैरह में टैटू वगैरह बनवा सकते हैं यहाँ पे, और अंगूठी पे भी नाम लिखा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस एरिया को फोटो लेते लेते बहुत ही ज़्यादा टाइम होते जा रहा है, हम जल्दी जल्दी शॉर्टकट में खींचते हैं और चलते हैं हम कार्तिक महाराज के मंदिर की तरफ। और ये एरिया आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो भीड़ भाड़ होते जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, हसुआ हो गया, हथौड़ा हो गया, छन्नी हो गया, बेलना हो गया, मतलब ये सारा चीज़, चाकू फरसा वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये दुकान जो है ना मेला के बाद भी 2-4-10 दिन तक समथिंग रहता है, क्योंकि ये लोहे का दुकान है और ये चीज़ का जो है ना लोगों को बाद में भी ज़रूरत पड़ता है, मेला में नहीं लेते हैं तो मेले के बाद भी आकर के यहाँ से लेते हैं। कैंची वगैरह हो गया, डंडा हो गया, भाला हो गया, तलवार हो गया, ये सारी चीज़ इस दुकानों में भी मिलते हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप लोग ये सब चाहिए तो यहाँ पे इस ये वाला जो दुकान है इस मेला में कंपलसरी लगता है, इसलिए जब भी आपको चाकू फरसा ग्लास लोटे ये सारा चीज़ का ज़रूरत पड़े जो कि आपको इधर उधर नहीं मिलता है, तो इस मेले में आकर के इस मेले को आप इंतज़ार कर सकते हैं। जब मेला लगता है तो उस टाइम आइए, यहाँ पे आपको चाकू फरसा और ये गाँव पहले टाइम में जो आपको क्या कहते हैं जाता और शिल्ला लोड़े इसका भी दुकान यहाँ पे आता है और ये 10 दिन समथिंग यहाँ पे रहता है। तो आपको ज़रूरत है ये चीज़ चाहिए, क्योंकि इसका मसाला पिसा हुआ स्वाद जो है ना खाना में कुछ अलग ही होता है। तो अगर ये चीज़ चाहिए आपको तो मेला के बाद भी यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, मेला का 2-4-10 दिन समथिंग ये दुकान वाले रहते हैं। तो वैसे मेला में ही आप ले लीजिए, कोई पता नहीं दुकान से गायब भी हो जाए। यहाँ पे कुछ गेम वगैरह हैं, ये करी एक देता है गोल वाला राउंड वाले लोहे का, और सामने कुछ पैसे वगैरह रहता है 10 रुपये का चार देता है, अगर आप करी उसमें कुछ भी चीज़ में फंसाएंगे जैसे बिस्किट हो गया, साबुन हो गया, तो वो सामान आपको मिलेगा, 50, 100, 500 का नोट भी है। तो दोस्तों यहाँ पे गेम आप खेल सकते हैं और गेम के लिए यहाँ पे जो है ना और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वीडियो बनाने की मुझे अनुमति नहीं मिला मेला कमेटी की ओर से कि गेम एरिया का वीडियो नहीं बनाना है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे गेम भी खेला जाता है, जैसे कि
कुछ रुपये लगाइए तो उसमें से आपको ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो वो एरिया कुछ अलग है, जैसे गड्ढा किनारे पर वो है, जो आप लोग आए होंगे तो सबको तो मालूम होगा ही कि गेम वाला एरिया अलग है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए उधर गए थे, लेकिन मेला कमेटी के कुछ लोग मुझे मना किया कि उस एरिया का वीडियो नहीं बनाइए। तो अच्छी बात है, तो ये एक्चुअली आप लोग अगर इससे इंटरेस्टेड रखते हैं तो यहाँ पे उस टाइप का गेम वगैरह वाला बहुत सारे यहाँ पे मतलब वो लगते हैं, दुकानें लगते हैं, तो आप लोग यहाँ के गेम खेल सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम मेला का ग्राउंड समथिंग आने वाले हैं, और बड़ा एरिया होने के कारण से जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कहते हैं इसको, छोले भटूरे बना रहे हैं, और यहाँ पे अंडे और चाय का दुकान है, तो यहाँ से आप लोग अंडे को पकौड़े वगैरह खा सकते हैं। तो दोस्तों चाय का लुत्फ उठाते हुए हम भी चाय पहले पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में पॉज करूँगा, और यहाँ पे आगे देख सकते हैं बहुत सारे गेम वाले हैं, तो आगे में ये गिरनी वगैरह है, जैसे इसको नचा लिया, इसमें ये जो नीचे बना हुआ तस्वीर उसमें में बना हुआ है, अगर उस तस्वीर पर आपको रुका तो आपको पैसे डबल। तो चलिए दोस्तों गेम वाले एरिया से हम निकल गए, आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे अब मंदिर को चलते हैं। मंदिर के आसपास भी बहुत सारे ठेला वगैरह लगा रखे हैं सड़क के किनारे, यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते वगैरह का दुकान है, चाउमीन गोलगप्पे ये सारे चीज़ यहाँ पे लगा रखे हैं। यहाँ पे बैलून है, और ये आ गया मैं मंदिर के पास आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का एंट्री, मेन एंट्री है ये, जो कि यहाँ से आप प्रतिमा का दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कार्तिक महाराज का मूर्तियाँ कह सकते हैं प्रतिमा बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना आसपास जो है प्रसाद वगैरह बतासे और लड्डू वगैरह, यहाँ पे आपको अगरबत्ती जो कि प्रसाद चढ़ाने के लिए जो सामग्री मिलते हैं, तो मंदिर के पास ही दोनों साइड वो लोग स्टॉल लगा रखे हैं, तो वहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए आप अंदर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसके अंदर के जाते हैं। मंदिर के अंदर जाने के बाद हम थोड़ा मंदिर में जो भगवान है उनका दर्शन करते हैं, और उनका क्या लुक है और कैसा देखने में कैसा बनाया हुआ है हमारे भगवान को, तो उनका भी दर्शन करते हैं। चलिए कार्तिक महाराज की जय, आप लोग कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जयकारा लगा सकते हैं, कार्तिक महाराज की जय लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान का हाजिरी लगाना ज़रूरी है। दोस्तों देख सकते हैं कितनी अच्छी सूरत हमारे कार्तिक महाराज का है, वो यहाँ पे लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, गणेश जी, और उसके बाद शंकर जी का मतलब पांच प्रतिमा बनाया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद इन सभी भगवान का सवारी का भी फोटो बना हुआ। तो दोस्तों एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन माइक रिमूव हो गया था, तो वो आवाज़ नहीं आया, तो दोबारा मैंने आवाज़ इसमें दिया हूँ, तो कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं, मयूर पे बैठा हुआ महाराज जी है, और यहाँ पे एक माते भगवान को अगरबत्ती धूप वगैरह जलाते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे एक आंटी है। तो उसके बाद मंदिर का महाराज जी का दर्शन हो गया, ये लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं सभी लोग, तो अंदर में वहाँ का जो है पुजारी लोग है अंदर में, वो प्रसाद चढ़ा करके फिर वापस भक्तजनों को देते हुए। चलिए दोस्तों अब मंदिर से हम बाहर निकलेंगे, ये देखिए दो कपल बच्चे लोगों के साथ यहाँ पे सेल्फी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो चलते हैं अब दोस्तों, अब बारी आ गया, हमने उस टाइम से आप लोगों को दिखाया वो झूला वैली एरिया का था, अब हम चलेंगे मनिहारी, जो कि ओरिजिनल में मनिहारी दुकान जिसका एरिया ये सीमित लगाया हुआ है, वहाँ पर लड़के का जाना मना है, मतलब जेंट्स लोग का, फीमेल ओनली फॉर वहाँ पे अलाउ है। एक्चुअली मैंने वहाँ से जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी था उनसे मैंने परमिशन लिया, फिर उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि हाँ ठीक है आप चलिए, उसके बाद वो मेरे साथ साथ अंदर गए, और अंदर का मैंने हर जगह का मैंने फ़ोटो लिया। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं उस मनिहारी वाले एरिया का दिखाने का कोशिश करूंगा फ़ोटो, क्योंकि यहाँ जाने के लिए मुझे मिल ही नहीं रहा था परमिशन,
तो फिर मैंने किसी तरह रिक्वेस्ट किया कि सर एक्चुअली मैं आपका मेले का ही तो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से। तो फिर उसमें एक समझदार कांस्टेबल था तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अपने साथ में एक उन्होंने वो जो सिपाही टाइप का था यूनिफॉर्म पहना हुआ उनको भेजा। और उसके बाद मैंने ऐसा मतलब जो मनिहारी एरिया है ना उसका वीडियो का मैंने शूट किया। तो चलिए दोस्तों हम वहाँ भी ले चलते हैं। तो ये मनिहारी एरिया के बाहर भी बहुत सारी दुकानें लगा हुआ है तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं पहले। जो भी बाहर मनिहारी का बाहर साइड में जो है एंट्री गेट से बाहर जो भी दुकान है तो उस दुकान को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पीतल की अंगूठी में नाम लिखवा सकते हैं और टैटू वगैरह बनवा सी। ये आदमी ये वाला टैटू बनवा रहा था तो मैं बोला चलो देखते हैं। इन्होंने पहले इनके गर्दन पे जो है ना पेन से ड्राइंग किया, मतलब स्केच टाइप का बनाया। उसके बाद वो नाखून वाला मशीन से इसको करने के बाद यहाँ पे हल्दी वगैरह शायद लगा रहे हैं कि दर्द ना हो। तो चलिए इसके बाद हम चलेंगे। ये तो देख लीजिए बाहर में लगा हुआ था। यहाँ पे जो है कि आपको कोई फ़ोटोज वगैरह लेना है तो इस मेला में जो है ना फ़ोटो भी यहाँ इस मेला में दो तीन चीज़ जो है कि है मिलता ही है। जैसे गेम वगैरह खेलने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। उसके बाद हसुआ हथौड़ा ये चिल्ला लोरी लेना है तो इसके दुकान भी है। ये मनिहारी का मनिहारी एरिया का यहाँ पे देख सकते हैं सारी दुकानों में लेडीज़ लोग अपने अपने सामान लेते हुए दिख रहा है कि ये झुंड बना के अपने अपने सहेली लोगों के साथ अपने अपने टीम के साथ सभी दुकानों में मतलब अपने कॉस्मेटिक क्या कहते हैं श्रृंगार का सामान पसंद करते नज़र आ रहे हैं और ले रहे हैं। यहाँ पे फोटोज़ का शॉप है और इस एरिया में देखिए चलिए मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। पर्स हो गया आपके झुमके टुमके क्या क्या होता है ये सारा चीज़ आपको कवर करवाऊँगा दोस्तों। तो आप लोग मनिहारी एरिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेला में घूमने वाले जितने भी माता एवं बहनों एवं भाइयों हैं आप लोग देख रहे हैं टेक म्यूज़िक बिहारी यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो दोस्तों अभी हम मनिहारी एरिया में हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने और गाड़ियाँ वगैरह है। एक्चुअली टाइम बहुत ही ज़्यादा खींचते जा रहा है तो चलिए मनिहारी एरिया भी बहुत बड़ा एरिया में है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ तो गला मेरा बैठते जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलते हैं खींचते जाते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं सारे लोग महिलाएं लोग अपने अपने सामान पसंद कर रहे हैं। इस एरिया में एक भी जेंट्स आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ही एक जेंट्स इसमें घुस गया हूँ वो भी सुरक्षा कर्मी के साथ। इसलिए दोस्तों आप लोग इस एरिया में मत घुसिए क्योंकि यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको मतलब बहुत सारी बातें सुनाया जाएगा यहाँ, नहीं तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग के साथ में अगर कोई लेडीज़ है तो उन लोगों को आप अंदर भेज सकते हैं। आप बाहर वेट कीजिए, उनका प्रतीक्षा कीजिए जब तक वो लोग कुछ खरीद के आते हैं, उसके बाद आप वापस जाइए। तो देख सकते हैं ये मंजूर आलम समथिंग हाँ नाम, ये हमारे स्कूल पार्टनर था, अभी ये मनियारी का दुकान लगा रखा है। तो मैंने वीडियो बनाने टाइम नहीं देखा था कि हम आगे चलते गया का कौन से बात करते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। चलिए कोई बात नहीं, अगर दोस्तों आप लोग का भी इस वीडियो में चेहरा नज़र आया होगा तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए क्योंकि हमने पहले दुर्गा मेला जैसे मेहंदीपुर चैती दुर्गा मेला का भी वीडियो बना रखा है, बंधेया मेला का भी वीडियो बना रखा है, बहुत सारा जगह का मेरा ब्लॉग भी है और म्यूज़िक संगीत का भी वीडियो है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने एरिया और पहाड़ का भी बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे का मैं वीडियो देने वाला हूँ। वैसे भी मैं आप लोगों का लोकल का हूँ, मरिया इस्लामपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रविंद्र बिहारी है।
तो दोस्तों अपने आसपास पड़ोस के होने के नाते तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त यार और रिश्तेदारों से भी इस वीडियो को देखने के लिए कहें और इस वीडियो का लिंक को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आपका आपके एरिया और परिवार के जैसे आप हमें अपना दोस्त नहीं समझ सकते अपने दोस्त का, इस तरह से आप मदद कर सकते हैं कि थोड़ा सपोर्ट मिले, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, मनियारी का एरिया बहुत ही लंबा है, अब कुछ देर और आपको लास्ट हम ले चलेंगे, इसके बाद मनियारी के बाद ले जाएंगे डांस प्रोग्राम जहां पे आर्केस्ट्रा होता है, हाँ उस एरिया में ले जाएंगे, आर्केस्ट्रा एरिया का भी वीडियो थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को और आर्केस्ट्रा का जितने भी गाने का वीडियो है वो सब भी हमारे जो आर्केस्ट्रा में जो लड़कियां डांस कर रही थी उनका भी इस वीडियो में उसका भी वीडियो हमारे इस चैनल पर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ टेक म्यूज़िक बिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बंधेरा में जितने भी वो आर्केस्ट्रा में गाने वगैरह पे डांस किया गया वो सारे वीडियो आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो वो सब वीडियो भी अभी मैं पोस्ट नहीं किया हूँ, पोस्ट करने वाला हूँ, इसलिए तो दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारा वीडियो पहले आएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं समथिंग, और कुछ दुकानें बच गया है क्या ना, अंदर घुसने के बाद अंदर और भी गलियां मिल रहा है, अंदर गए हैं मनियारी में मैंने सीधे स्ट्रेट गया, उसके बाद दोनों साइड में अंदर गलियां गई अंदर और उसके बाद उनका भी इंटरेस्ट अलग दूसरी साइड से बाहर निकला, तो देखेंगे अंदर आने टाइम तो लग रहा था मुझे छोटा एरिया है लेकिन ये मनियारी एरिया बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों अपने जितने भी जैसे कि मैडम लोग हैं अपने भाई बहन के साथ आते हैं तो अपने उन लोगों को जो फीमेल है लेडीज़ हैं उन लोगों को ज़रूर मनियारी में एक बार भिजवाइए, वो लोग जाएंगे तो अपने पसंद का जो भी मनियारी का सामान है वो लोग यहाँ पे ख़रीद पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आता है तो और मेला का टाइम है तो इसमें आपको छूट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह लगा रहता है और यहाँ पे वो भी होता है जैसे एक दाम वाले भी दुकान होता है जैसे कि होल सेल सॉरी क्या कहते हैं हरे एक माल एक दाम, जैसे 50-100 रुपये का जो समथिंग का रेंज का जो सामान मिलता है उसका वहाँ पे सारा चीज़ लगाया हुआ आता है, ये सारे भी दुकान है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ऑफ़र के तहत भी आप लोग सामान खरीद सकते हैं, इसीलिए यही भाई साहब हमारे साथ में था वीडियो बनाने टाइम में, इसलिए बोल रहा है कि अब लास्ट आ गया निकल जाइए। तो दोस्तों अब इनका नाम तो मैंने पूछा नहीं ये, लेकिन ये अच्छे लोग थे, इन्होंने अपने साथ मुझे पूरे मनियारी का मतलब भ्रमण वीडियो शूट कराने के लिए यात्रा किया हमारे साथ में, तो दोस्तों उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ऐसे आदमी होना चाहिए कि मैंने उनसे प्यार से बात किया कि हमें परमिशन चाहिए मनियारी में अंदर जाने के लिए, तो उन्होंने ले गया और मैं आप लोगों को उसी के बदौलत ये वीडियो दे पा रहा हूँ मनियारी एरिया का, मनियारी साइड का जो मनियारी क्षेत्र का मैंने वीडियो ये शूट किया हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद मैंने आपको मनियारी का पूरा वीडियो जो कि अब ये लास्ट समथिंग होने वाला, इतना टाइम लगा आधे घंटे 20 मिनट हमारे मनियारी में ही लग गया, क्योंकि तो मनियारी बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा झुमके तुमके कि क्या आईना मैना और चूड़ियाँ वगैरह हर एक टाइप का अलग अलग टाइप का यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, अब हम बाहर निकलने वाले हैं मनियारी का दुकान लास्ट टारगेट पर हम बाहर मतलब आ गया है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं
इस दुकान वाले भाई साहब का लाइट करते करते बचा, और यहाँ पे ये अपने अपने झूम के सारे चीज़ सही कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक को दिखाने के बाद वो क्या है ना, वो लोग कुछ लेते हैं तो फिर बाहर में छोड़ के चले जाते हैं, उन सभी को वो फिर एडजस्ट करते हैं दोबारा अपने सारे लोकेशन पर लगाते हैं, जो जो लोकेशन जहाँ जहाँ का है सभी जगह लगाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सारे सारे झुमके हैं, अब इसमें से अपना पसंद कर सकते हैं, रंग बिरंगे झुमके, बड़ा छोटा झुमके, गोल वाले झुमके, लंबे वाले झुमके, क्या है भाई झुमके का दुकान है या हॉल सेलर है। दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ पसंद होगा। तो अब यहाँ से हम कांस्टेबल भाई साहब से हम परमिशन लेंगे, विदाई लेंगे, क्योंकि हम मनियारी से बाहर हो गए हैं, तो उनको थैंक यू बोल के मैं निकलता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम ले चलेंगे आप सभी को यहाँ से वापस जाने टाइम में, कुछ दुकानें उसको कवर करते हुए अब हम जाएंगे डांस सॉरी आर्केस्ट्रा जहाँ पर होता है डांस नाच कह सकते हैं, ये सब नाटक जहाँ पे होता है उस एरिया में ले चलते हैं आप सभी को दोस्तों, थोड़ा आर्केस्ट्रा का भी व्यू दिखाते हैं दोस्तों। ये मनियारी से वापस जाने टाइम थोड़ा जूम करके मैं मनियारी का एरिया को जायज़ा लेते हुए, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं चश्मे और बेल्ट की भरपूर मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप लोग ले सकते हैं पर्स बेल्ट चश्मा, ये जेंट्स लोगों के लिए ये भी एक मनियारी है समझो, क्योंकि जेंट्स लोग तो झुमके नहीं पहनेगा, उनको पर्स चाहिए, बेल्ट चाहिए, चश्मे चाहिए, उनका तो सिंदूर नहीं लगाएगा ना ही टिकली पहनेंगे, इसलिए उनका भी एक मनियारी का छोटा मोटा दुकान है। और ये फोटो का जो है फूल जो यहाँ से आप अपने पसंद का फ़ोटोज ले जा सकते हैं, बड़ा छोटा और जिसको भी आप मानते हैं, भगवान का भी बहुत सारे फ़ोटो हैं। और उसके बाद हमारे देश का जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो कि आज़ादी से पहले टाइम का जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये सभी का जो है जिन्होंने लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, उन लोगों का भी फ़ोटो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनको आप अपना घर में फ्रेम वगैरह लगा करके घर में या बाहर साइड जैसे द्वार वगैरह होता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, उससे क्या है एक प्रकार का डेकोरेशन होता है और आपका वो इमेज दिखता है कि आप किस क्वालिटी का आदमी है, आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है दोस्तों, इसलिए अपने हिसाब से यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और कुछ फ्रेम वाले भी फ़ोटो मिलेगा आपको, और ओपन फ़ोटो भी मिलेगा, बड़ा सा छोटा सा हर एक साइज अलग अलग है, तो दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कौन सा फ़ोटो आपको लेना है। तो चलिए दोस्तों हम आ गए, अब यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, आदमी ही आदमी दिख रहा, और वहाँ पे देखिए वो मंच है जो स्टेज है वो देखिए, ये यहाँ पे है ये ड्रामा हो रहा है और यहाँ पे ही आर्केस्ट्रा होता है। जरा हम आगे जा कर के वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको इसमें वीडियो देना है मुझे, सारे जो कि डांस करते हैं हमारे आर्केस्ट्रा में लड़कियाँ, उसका वीडियो मैं दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए मैं इस भीड़ को पार करते हुए चलता हूँ आगे, आगे से मैं कुछ वीडियो लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको कास्टिंग दिखा देता हूँ वीडियो को।